भाई वाइकिंग 7 कब आएगा, कब आएगा वाइकिंग 6 पार्ट 2, कब रिलीज होगा ये भाई? तो बहुत से लोगों ने मुझे इसी तरह से सवाल पूछे हैं एंड आज के इस वीडियो में मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि आपके मन में कोई भी प्रेडिक्शन हो वाइकिंग 6 पार्ट 2 के स्टोरी के रिलेटेड तो मुझे कमेंट करना है। उसी तरह से पांडे जिगर ने मुझे कमेंट किया है एंड जो उनकी स्टोरी है उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं, तो उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो यार वाइकिंग्स के फैंस के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी प्रेडिक्शन के बारे में, क्योंकि जो स्टोरी उनने मुझे बताई है उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। हाँ, अगर एक हैप्पी एंडिंग चाहिए तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। मेरे भाई मुझे लगता है कि जो आइवर है उसने रोमांस के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, काफी कुछ जाना था उनके बारे में एंड उसके मन में कोई नई चाल चल रही है इसके बारे में, क्योंकि यार अगर उसे कैटेगरी चाहिए ही होता तो रूस का किंग तो उसे वैसे ही दिला देता, तो वो रूस के किंग के भाई की जान क्यों बचाता जब वो पिंजरे में कैद था, तो वो ऐसा दुश्मन वाला काम क्यों करता रूस के किंग के साथ। लगता है आइवर इज द सेफ खेल रहा है, वो रूस के किंग और कैटेगरी की सेना दोनों को ही कमजोर कर देगा कैटेगरी से लड़वा के एंड उसके बाद रूस के किंग के भाई के साथ मिलकर रूस के किंग को मार देगा, यानी कि उसको गद्दी से हटा देगा, फिर बच्चे को किंग बनाएगा एंड उसकी हेल्प लेके वापस से कैटेगरी को छीन लेगा। वहां बियॉन फ्रांस के साथ मिलकर और उबा जो अब जान गया है कि किंग एल्फ्रेड एथेलस्टन का बेटा है, उसके बाद फ्रांस इंग्लैंड ये दोनों मिलके नॉर्वे कब्जा करेंगे एंड तीनों देशों में एक सौदा होगा, समझौता होगा, उसके बाद तीनों देश एक दूसरे की सदा हेल्प करेंगे एंड उसके बाद यूरोपियन यूनियन बनेगा। तो दोस्तों ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि जो आइवर है वो सेफ खेल रहा है, रियलिटी में सेफ खेल रहा है, क्योंकि अगर उसको सेफ नहीं खेलना होता तो रूस के किंग की भाई की जान क्यों बचाता जब वो पिंजरे में कैद था, वो ऐसा दुश्मन वाला काम क्यों करता। तो मेरे को लग रहा है उनकी दोनों आपस में बनती नहीं है, तो वो रूस के किंग को गद्दी से हटा के बच्चे को किंग बनाएगा एंड उसकी हेल्प से वापस कैटेगरी छीनेगा। अगर बात नहीं बियॉन की तो बियॉन तो जिंदा है, हम देख चुके हैं एंड उसके बाद बियॉन रोलो के साथ मिले, क्योंकि रोलो ने वादा किया था, सॉरी बियॉन ने कहा था रोलो से कि आप मेरी हेल्प करेंगे एंड उसके बाद वो दोनों और किंग एल्फ्रेड उबा मिलके वापस से कैटेगरी आएंगे, आइवर पे हमला करके छीन लेंगे और तीनों देशों में एक संधि होगी कि वो एक दूसरे की सदा मदद करेंगे एंड उसके बाद यूरोपियन यूनियन बनेगा। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी हैप्पी एंडिंग लग रही है एंड अगर बात रही फ्लोकी की तो हो सकता है फ्लोकी जिंदा हो एंड उसके बाद वो किंग एल्फ्रेड से माफी मांगेगा एथेलस्टन को मारने के लिए, उसके पिता को मारने के लिए एंड उसके बाद किंग एल्फ्रेड उसको माफ भी कर देगा शायद से, और उसके बाद पछतावे में आके क्या पता फ्लोकी क्रिश्चियन धर्म को भी अपना ले। सो गाइस मेरे ख्याल से ये भी होना पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लोकी जलता था एथेलस्टन से इसलिए उसने मारा था उसको, क्या पता पछतावे में आके वो उससे माफी मांगे और क्रिश्चियन धर्म को भी अपना ले। एंड इसके बाद जिगर भाई बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन धर्म है उसको काफी ज्यादा अच्छा दिखाया गया है वाइकिंग्स में, काफी ज्यादा नेक दिल दिखाया गया उन लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ के, तो हो सकता है क्या पता लास्ट में काफी सारे वाइकिंग्स क्रिश्चियन धर्म को अपना ले, वो क्रिश्चियन बन जाए, तो ये भी हमें ये लोग दिखा सकते हैं। एंड देखो अगर इस चीज की बात रही तो ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि द लास्ट किंगडम में हम देख चुके हैं क्रिश्चियन धर्म को कितना ज्यादा अच्छा दिखाया है, बल्कि वाइकिंग्स को बिल्कुल गुंडे तरीके से दिखाया गया है। तो हो सकता है कि क्या पता काफी सारे वाइकिंग्स कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी में, और हमें द लास्ट किंगडम के लास्ट एपिसोड में यही देखने को मिला था कि जो उनके जो मेन सरदार होता है वाइकिंग्स का तो वो भी क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता है, तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड इसका ये बोलते हैं कि जो वाइकिंग जैसे लुटेरे हैं ये इंडिया पे भी आए थे हमला करने के लिए, पर इनको मुंह की खानी पड़ी थी, इवन अलेक्जेंडर को भी यहां से भागना पड़ा था। हमारे भारत के सुपुत्रों ने इन वाइकिंग जैसे लुटेरों का खुली तलवार के साथ स्वागत किया था और हमारे भारत के सुपुत्रों की बस यही कमजोरी थी कि वह बहुत ज्यादा दयावान थे, इवन घोरी को भी उन्हें 16 बार माफ किया था। अब ये घोरी को ना ये मुझे नहीं पता। स्कंदगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, बिंदुसार, किंग अशोका जैसे हमारे भारत के वीर सुपुत्र थे जिन्होंने हमारी इन वाइकिंग जैसे लुटेरों से रक्षा की थी, आखिर में किसी अपने नहीं हमसे गद्दारी की थी, हमारे पीठ पीछे चूरा भोका था और हमें मुगलों की गुलामी करनी पड़ी थी। इसके बाद एक राजा था गुजरात के जिनका नाम था रणवगन, तो उन्होंने भी ऐसे लुटेरों के घर जाके उनको सबक सिखाया था। सो गाइस अपने जिगर भाई जो है वो हिस्ट्री के बहुत ज्यादा अच्छे जानकार हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ही मुझे ये बताया था एंड वाइकिंग्स इंडिया में आए थे या फिर नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो इन्हें भी मुझे इसके बारे में बताया, तो मैं इनकी स्टोरी से काफी ज्यादा हद तक सहमत हूं कि हमें ये देखने को मिल सकता है। अगर आप हो या फिर नहीं तो मुझे कमेंट जरूर करना एंड आपकी प्रेडिक्शन क्या है तो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर बात आ रही वाइकिंग्स 6 के सेकंड पार्ट के रिलीज होने के बारे में तो उसकी अभी तक कोई फिक्स डेट तो नहीं आई है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि इनका जो वाइकिंग्स का कोई भी एक सीजन होता है तो वो हर एक साल में इसको रिलीज करते रहते हैं। तो पिछली बार हमें देखने को मिला था इसका फर्स्ट पार्ट जो कि दिसंबर एंड में आया था, दिसंबर एंड में ही हमें क्या पता इसका पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से कोरोना की वजह से डिले हुआ है तो ये और भी ज्यादा
ज्यादा लेट हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं तो यही बोलूंगा कि दिसंबर एंड में हमें ये चीज देखने को मिल सकती है। एंड इसके बारे में कोई अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, एंड इन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि इसका काम रुका हुआ है कोरोना की वजह से, तो क्या पता दिसंबर एंड में ही हमें ये देखने को मिल जाए। तो फिर आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड प्रेडिक्शन आप कितना सहम हो तो मुझे जरूर बताना। तो फिर ऐसे ही शॉर्टर पॉइंट टू पॉइंट रिव्यूज के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 1K जल्दी से हिट करना है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।